उसे रोक लेना। हाँ अवश्य रोक लूंगा। मैं कहता था ना कि मनसुखा को मत दो, ये नहीं रोक सकता। पर वहां से गेंद लाएगा कौन? भेजो मनसुखा को। नहीं नहीं, मनसुखा को क्यों, वो बेचारा डूब जाएगा। तो फिर तू ही लेके आ। तू ही लेके आ। अच्छी बात है, मैं लेकर आता हूँ। कौन है जिसने हमारे विश्राम में भंग डाला है? कौन है? कौन है? कौन है? कृष्ण। कृष्ण? कौन कृष्ण? वह कृष्ण जो काल का भी काल है, वह कृष्ण जो तुम जैसे दुष्टों का विनाश करने के लिए धरती पर अवतीर्ण हुआ है। हमें पहचानो सर्पराज, इससे पहले कि तुम्हारी ही दुष्कर्मों की अग्नि तुम्हें ही भस्म कर दे, हम तुम्हें एक अवसर देते हैं कि तुम अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे हृदय से हमारी शरण में आ जाओ। हम तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके क्षमा कर देंगे। हमें दया की भीख मांगने को कह रहे हो, जब किस समय तुम्हारे प्राण हमारी दया पर निर्भर है? उदंड बालक, जब किसी प्राणी के सर पर काल मंडराता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। देखो मृत्यु कैसे आती है। Namah 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 Namah
हे देवता, मैं तुम्हारे शरण में आया हूं, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तथास्त्र, उठो कालिया, अब हमें बाहर लेकर चलो। संसार को जल प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया, समुद्र मंथन के दौरान कूर्म अवतार लिया, पृथ्वी को समुद्र में डूबने से बचाने के लिए वराह अवतार लिया, जब धरती पे पाप की सीमा टूटेगी, जब सृष्टि इंसानों के अत्याचार से रुकेगी, तब कलयुग का अंत करने प्रकट होंगे भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कलश।